आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। तेजस्वी ने बलात्कारियों को बचाने और उन्हें भगाने में मदद करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी कथित तौर पर जनता दल सेक्युलर जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े मामले में प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर चुप्पी क्यों साधी हुए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को जनवरी भगाने में मदद की है। आरोपी कर्नाटक में करीब 2500 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। उनके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे का क्या हुआ। वे बलात्कारियों को बचाने और उन्हें भगाने में मदद करने में अधिक रुचि रखते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि भाजपा नेता अब पूरी तरह से बेनकाब है। मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री चुप रहे। कुछ महीने पहले दिल्ली में प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों के साथ हुए शर्मनाक व्यवहार पर भी वह चुप रहे। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मामले में यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रधानमंत्री ने हाल में कर्नाटक में आरोपी के लिए प्रचार किया और उनके साथ मंच साझा किया। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि अगर विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो उनके नेता एक एक साल में प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे, तब तेजस्वी ने कहा कि आखिरकार उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्हें एहसास हो गया है कि वे चुनावी लड़ाई हार रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों में भी अपमानजनक हार का सामना करने होगी। एनपी टाइम्स की रिपोर्ट।